हेलो नमस्ते दोस्तों, स्वागत करता हूँ अपने इस चैनल टेक के हेल्थ बायोलॉजी में। आज के वीडियो में हम जानेंगे घावों को जल्दी भरने वाली कौन सी एंटीबायोटिक होती है और तथा टॉप टेन में जो सबसे अधिक इस्तेमाल होती है घाव को भरने के लिए वह कौन कौन सी दवा होती है, तो हम इस वीडियो में जानेंगे। और साथ ही साथ हम जानेंगे कि सबसे अच्छी घाव भरने की दवा कौन सी होती है, तो इसी वीडियो में जानेंगे। बस आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि दवा की अधूरी नॉलेज आपके लिए खतरनाक हो सकती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे अपने वन नंबर पर रखा हूँ, मतलब कि टॉप वन पर रखा हूँ लिनोजाइड। लिनोजाइड 600, ये इसका शॉर्ट नेम होता है। इसका ब्रांड नेम बता दें तो विजोफोर्स होता है, जो कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये एक मेनकाइंड की दवा होती है और बहुत ही अच्छी दवा होती है लिनोजाइड। अगर किसी व्यक्ति को घाव जल्दी रिकवर नहीं होता है, बहुत पुरानी घाव हो चुकी है तथा वह जल्दी से रिकवर नहीं होता है, वह जल्दी से घाव नहीं भरता है, तो उस समय आप लिनोजाइड 600 दे सकते हैं और उस व्यक्ति को आप देखेंगे कि 5-6 दिन में उस घाव को भर देता है। और ये एक काफी एक अच्छी दवा होती है तथा ये हाई एंटीबायोटिक दवा होती है, जो हमारे घाव को भरने में सबसे सहायक होती है। ये इसीलिए मैं इसको एक नंबर पर रखा हूँ। अपने दो नंबर पर रखा हूँ मोक्सिकन सीबी 625, जो कि आप इसका नाम तो जरूर सुना होगा। ये भी हमारे घाव को भरने के लिए आती है। इसका शॉर्ट नेम के बात कर बता दूं तो देखिए, इसका शॉर्ट नेम होता है एमोक्सिलिन होता है, पोटेशियम होता है, कैबिनेट होता है, जो कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इसका एक और ब्रांड नाम होता है, ये क्लेबाम होता है। क्लेबाम का तो आप नाम जरूर सुना होगा, इसे देखा भी होगा, आपने यूज किया भी होगा। अगर आपका घाव नहीं सूखता होगा तो उस समय डॉक्टर साहब दिए होंगे, तो क्लेबाम का यूज देख सकते हैं। और अपने अगले नंबर पर रखा हूँ सेफ्लोक्सिन, जो कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये एक ब्रांड नेम, इसका ब्रांड नेम बता दूं तो देखिए, इसका ब्रांड नेम होता है जेफी, जो कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये 500 mg में आता है। अगर किसी व्यक्ति को घाव नहीं झुलाता है, घाव नहीं सूखता है तथा घाव नहीं भरता है, तो उस कंडीशन में इसको दिया जाता है। ये एक बहुत ही अच्छी दवा होती है। और इसके अलावा मैं अपने पांचवें नंबर पर रखा हूँ सेफ्लोक्सिन, जो कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। सेफ्लोक्सिन कैप्सूल में आती है और यह भी हमारे घाव को बहुत जल्दी से रिकवर करती है। अगर किसी को घाव नहीं भरता है तो उस कंडीशन में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका ब्रांड नेम का बात बता दूं तो देखिए, इसका ब्रांड नेम होता है सेफ 500 में होती है, जो कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा मैं अपने अगले नंबर पर रखा हूँ सेफ्लोक्सिन। सेफ्लोक्सिन का तो आपने नाम सुना ही होगा और इसके बारे में आप जरूर जानते होंगे, आपने यूज भी किया होगा इस दवा को। अगर किसी व्यक्ति को घाव नहीं सूखता है या कान में इन्फेक्शन हो चुकी है, कहीं पर भी इन्फेक्शन फोड़ा फूसी हो चुकी है और वह ठीक नहीं होता है, वह घाव नहीं जाती है और वह घाव नहीं सूखती है, तो जल्दी रिकवर करने के लिए उसमें सेफ्लोक्सिन दिया जाता है कि उस व्यक्ति का घाव बहुत जल्दी से भर देता है सेफ्लोक्सिन। इसके अलावा इसका ब्रांड नेम बता दूं तो देखिए, इसका ब्रांड नेम होता है गुडसेफ। गुडसेफ बहुत ही अच्छी दवा होती है। इसके अलावा सेफ्लोक्सिन होता है, सातवें नंबर पर होता है सेफ्लोक्सिन। सेफ्लोक्सिन कहते हुए अपने नाम सुना ही होगा और इसके बारे में आप अच्छी तरह से जानते होंगे। यह भी हमारे एंटीबायोटिक दवा होती है तथा ये एंटीबायोटिक हमारे किसी प्रकार की फोड़ा फूसी हुई है तथा घाव जल्दी रिकवर नहीं होता है, तो उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये घावों को रिकवर करने में काफी अच्छा मदद करती है। इसके अलावा अपने ब्रांड नेम बता दूं तो इसका ब्रांड नेम होता है जीफी, जो कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने अगले नंबर पर रखा हूँ पेंसिलिन ग्रुप की दवा होती है ये, जिसका नाम है एमोक्सिलिन। एमोक्सिलिन भी अगर किसी को हल्का सा घाव लगा है, वह घाव नहीं सूखता है, तो उस कंडीशन में दिया जाता है, तो उस व्यक्ति का घाव सूख जाता है। और अपने दसवें नंबर पर रखा हूँ कोटरमाजोल, जो कि आप लोग डीएस के नाम से जानते हैं, सेप्टरान के नाम से जानते हैं। अगर किसी व्यक्ति का घाव नहीं झुलाता है, घाव नहीं सूखता है, तो उस कंडीशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है और ये सबसे सस्ती दवा होती है। और मैं ये बता दूं इनमें से सबसे अच्छी दवा कौन सी होती है, तो देखिए इसमें से सबसे अच्छी दवा होती है लिनोजाइड। लिनोजाइड इसका अगर किसी को हाई चोट लगी है और उसमें उसका ठीक नहीं होता है, तो उस कंडीशन में उसको दिया जा सकता है लिनोजाइड। और अपने दो नंबर पर रखा हूँ टॉप में तो मोक्सिकन 625 है, यह भी इसका अच्छा रिस्पॉन्स होता है। और इस दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं। ये जो दोनों बताए हैं लिनोजाइड और मोक्सिकन, ये अधिकतम उस व्यक्ति को दिया जाता है अगर किसी को
घाव रिकवर नहीं होता है, तो आप चाहें तो इनमें से टॉप 3 में से कोई भी एंटीबायोटिक उस व्यक्ति को दे सकते हैं, तो उसका घाव रिकवर हो जाएगा।